press the bell icon and never miss another update from NTI. नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता का विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। नाना के समर्थन में आई राखी सावंत ने तनुश्री दत्ता पर आरोपों की बारिश की थी। उन्होंने तनुश्री को लेस्बियन तक कह दिया था और अब तनुश्री दत्ता उनके एक एक आरोपों का जवाब दे रही हैं। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे कि तनुश्री पहले इस बात से इनकार कर चुकी हैं कि वो लेस्बियन और ड्रग एडिक्ट हैं। अब तनुश्री ने राखी के आरोपों पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं राखी सावंत की फ्रेंड कभी नहीं रही। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि दोस्त सोच समझ कर बनाओ। इसलिए बहुत बुरा है कि राखी सावंत जैसी गवार, अनपढ़, डाउन मार्केट, चरित्रहीन और क्लासलेस लोग मुझसे कभी दोस्ती होने का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तनुश्री ने राखी के लेस्बियन होने और बाल काटने के आरोपों के बारे में कहा कि उन्होंने दीक्षा लेने के दौरान ये सब किया था। बाल काटना हिंदू और बुद्धिज्म धर्म की प्रथा है। आप ईश्वर के सामने समर्पित होकर उन्हें केस देकर अपनी पहचान त्यागते हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले राखी ने एक प्रेस मीट बुलाई थी जिसमें वो साड़ी पहनकर और सर पर पल्लू रखकर पहुंची थी और वहां उन्होंने तनुश्री पर लेस्बियन होने और उनका रेप करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। एंटरटेनमेंट डेस्क, न्यूज़ टाइम्स इंडिया।